जहां एक ओर लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य चरणों के लिए भी चुनावी प्रचार अभी तक जारी है। और इसी कड़ी में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल करने वाली हैं। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता कि अमेठी सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्मृति ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।